आराम फरमा रहे इस जानवर को देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये जगह कौन सी है। नहीं पता चला? अच्छा, अब पता चलेगा। जी हाँ, ये स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बार्की। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और जानवर आराम फरमाने। हम लोग के यहाँ चार दीवारी के कारण प्रॉब्लम होता है, हम लोग खाने के लिए प्रॉब्लम होता है, हम लोग को बहुत खराब गंद आता है। यहाँ बहुत सारे बैल भैंस बकरियाँ आके हम लोग को तंग करते खाने के लिए, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि हम जब खाने बैठते हैं तो बहुत सारे गाय भैंस हम लोग को तंग करती है, हम लोग को खाने नहीं देती है। और सरकार से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें जल्द से जल्द इस स्कूल का बाउंड्री करवा दे। तो मैं आया हूँ तब से देखते हैं कि गाय भैंसें लगभग 150 के लगभग यहाँ पर रात में भी रहती हैं, दिन में तो रहती नहीं, रात में तो रहती हैं, हर मौसम में रहती हैं, 12 महीने रहती हैं। और दूसरी बात है, हमने इसके लिए बहुत सा प्रयास किया, हमने मुखिया को भी पत्र दिया और विधायक महोदय को भी पत्र दिया, और हाल फिलहाल 29/6/19 को मैंने श्रीमान जिला शिक्षा अधीक्षक को भी पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसके बारे में हुई नहीं। चार दीवारी के बारे में शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो सबसे ज़्यादा टीचर का कमी है, उसके बाद चार दीवारी जो है इस पर बहुत सारा कार्रवाई किया गया, विधायक ढुल्लू महतो को दिया गया, संतोष महतो जिला परिषद है उनको दिया गया, उसके बाद बहुत सारे और पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई हुआ अभी तक नहीं। सुना आपने, स्कूल के चारों ओर चार दीवारी नहीं है और बाकी समस्याएं हैं वो तो अलग। अब जरा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी सुन लीजिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बार्की में पहले जमीन का विवाद था, जैसा कि हमको मालूम है। फिलहाल जमीन का विवाद नहीं है, लेकिन अब विभाग से बाउंड्री वाल मिल नहीं पाएगा। इसके लिए बीच में पत्र निर्गत हुआ था मुखिया जी लोगों को कि 14वें वित्त आयोग से बाउंड्री वाल बनाने के लिए। इस स्कूल की समस्याओं का समाधान कब होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि खतरे में नौनिहाल और देश का भविष्य है। अशोक, न्यूज 11, बाघमारा।